विदेशों में पानी में चलने वाली बस अब भारत में भी चलने लगी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अमलीय जामा पहनाते हुए वाटर बस को अमृतसर के हरीके झील में उतार दिया है। दरअसल पंजाब में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सैलानियों के लिए हरीके झील में वाटर बस को चलाया जा रहा है। 2 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ती हुई यह बस झील में दाखिल होती है, जिसके बाद झील में 45 मिनट तक सैलानियों को घुमाती है। इस बस को पंजाब सरकार ने अमेरिका की कंपनी से 4,52,00,000 की लागत से तैयार करवाया है। बस में 32 सैलानी, चालक और एक कमांडर के बैठने की व्यवस्था होने के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जीवन रक्षक वस्तुओं का प्रबंध किया गया है। यह वाटर बस लगभग 13 किलोमीटर का लंबा सफर 45 मिनट में तय करती है। हालांकि इस बस में बैठने के लिए आपको अपनी जेब से 800 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। बस की चेचे स्वीडन और इंजन अमेरिका से मंगवाया गया है। बस की फैब्रिकेशन मान्यता प्राप्त कंपनी ऑटोमेटिव कॉरपोरेशन गोवा लिमिटेड के सहयोग से हुआ है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग और पंजाब सरकार की ओर से बस की बाहरी चित्रकारी की गई है। वैसे आपको याद होगा कि साल 2015 में एक बठिंडा रैली के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने जब वाटर बस चलाने की घोषणा की थी तो विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब खिल्ली उड़ाई गई थी। लेकिन आज वही वाटर बस सबकी वाहवाही लूट रही है। देखते रहिए टीवी लाइव।